मित्रों जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कुल देवता का कृपा पाने के लिए साधना को बताए थे लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें उनके कुल देवी के बारे में पता नहीं है जिसके कारण वे लोग अपने कुल देवी या देवताओं की कृपा से वंचित है उन्हें बहुत से समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है ऐसे तो कुल देवी या फिर कुल देवता का पता नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि वर्षों से परिवार के साथ नहीं रहना पूर्वजों के द्वारा पुराने रीति रिवाज त्याग करना इसके अलावा और भी कई सारे कारण हो सकते हैं कुलदेवी का पता नहीं होने के कारण उनकी पूजा नहीं हो पाती है और इस कारण से कई सारी समस्या घर में पैदा होती हैं। मित्रों अगर आपको भी नहीं पता है कि आपकी कुलदेवी कौन है तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुलदेवी की खोज कैसे करें यह जानने का उपाय बताने वाले हैं तथा कुलदेवी का पता लगने के बाद उनकी स्थापना कैसे करे और उनको प्रसन्न करने का तरीका बताने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे मित्रों इस प्रयोग को आपको शुक्ल पक्ष के दिवस मंगलवार से करनी है सबसे पहले सुबह के समय स्नान आदि करके एक साबुत सुपारी ले उसे स्नान करवाएं और एक पाठ को अच्छे से स्वच्छ करके लाल रंग का वस्त्र बिछाए इसके बाद साबुत सुपारी को पाठ पर स्थापित करें। धूप आदि दिखाने के बाद अब आप प्रार्थना करें कि हे हमारे कुल गोत्र के देवता आप कौन हो आप कहाँ हो इस बारे में मुझे पता नहीं है इसके लिए मैं इस सुपारी में आपका आवाहन करता हूँ ऐसा तीन बार बोलकर सुपारी की पंचोपचार पूजा करे और घर के मंदिर में स्थापित करे ध्यान रखें कि आपको कुलदेवी की प्रार्थना हृदय से करनी है आपकी आवाज में कुलदेवी को पाने की स्नेह रहनी चाहिए तभी आपको जल्दी सफलता मिलेगी मित्रों अब आपको एक बार फिर से रात्रि को प्रार्थना करना है कि हे हमारे कुल गोत्र के कुल देवता आप कौन हो मैं आपको जानना चाहता हूँ कृपया मेरे सपने में आकर मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। इस प्रार्थना को करने के बाद सुपारी को अपने तकिये के नीचे रखकर सो जाएं मित्रों आपको 11 मंगलवार तक इसी तरह करना है मंगलवार के दिन आपको उपवास करना है यह क्रिया करने से निश्चित ही आपके कुल देवता या देवी आपको सपने में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगे तथा अपने स्थान के बारे में भी बताएंगे इन 11 दिनों तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है जब यह क्रिया करे तो शुद्ध रहे शुद्ध वस्त्र धारण करें मांस मदिरा से दूर रहे और श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें यह करने से आपके वर्षों से भूली हुई कुलदेवी की समस्या का हल आवश्यक होगा आपको आपकी कुलदेवी स्वप्न में आकर मार्गदर्शन करेंगी अगर आपके लिए यह विधि मुश्किल हो तो कोई बात नहीं आप दूसरे तरीके को अपनाएं दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने ग्राम के आसपास या फिर आपके संपर्क में जो भी जानकार व्यक्ति हो आप उससे सहायता ले सकते हैं अगर कोई जानकार व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप उस जानकार व्यक्ति से अपने कुल देवी या फिर देवता से संपर्क जोड़ने के लिए बोलिए वह व्यक्ति अपने सिद्ध यानी साधना से किए एकाग्रित ऊर्जाओं के माध्यम से आपके कुल देवी या फिर कुल देवता से आपका संपर्क जरूर जोड़ देंगे जब कुलदेवी का पता चल जाए तब आपको अपने कुलदेवी की स्थापना कैसे करनी है चलिए इसे जानते हैं मित्रों जब आपके कुलदेवी का पता लग जाए तो आप अपने कुल देवी के तस्वीर को सुबह के समय स्नान आदि करा के उनकी तस्वीर अपने मंदिर में स्थापित करें देसी घी का दीपक दिखाए धूप अगरबत्ती तथा कपूर जलाए यह सभी करने के बाद आपको उनकी पसंदीदा प्रसाद का भोग लगाना है उन्हें चंदन और चावल का टीका अर्पित करे ध्यान रहे कि चावल खंडित या टूटे हुए नहीं होने चाहिए अब उन्हें शुद्ध पुष्प अर्पित करे बस इस प्रकार से सुबह शाम पूजा अर्चना करे और उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करे जिस तरह सभी देवी देवता की पूजा सुबह शाम करते हैं उसी तरह कुल की पूजा भी सुबह शाम प्रतिदिन करनी चाहिए प्रतिदिन घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए कुल देवी हमारे कुल तथा गोत्र की देवी है तो उन्हें रोजाना याद करना जरूरी है उनकी पूजा अर्चना प्रतिदिन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और सभी समस्या का निवारण होता है तो मित्रों पहले तो आप हमारे द्वारा बताए गए इन प्रयोगों को करें जिससे आपको कुलदेवी के बारे में पता चलेगा फिर उनकी स्थापना श्रद्धा पूर्वक करे और उनको प्रसन्न करके उनके सामने जो भी अभी तक भूल चूक हुई है माफी मांगे इससे आपकी कुलदेवी प्रसन्न होगी और आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेगे